हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी अपन इसमें न्यूमेरिकल नंबर दो करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर दो में क्या है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, उसको अपन को प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करना है न्यूटन्स मोशन थर्ड लॉ, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसके द्वारा। तो देखिए इसको प्रूव करने का तरीका कि अपन इसके लिए कोई भी दो बॉल्स ले लेते हैं, दो गेंद ले लेते हैं, बॉल ए और बॉल बी, जिनके द्रव्यमान हैं वो घटना से पहले या टक्कर से पहले के द्रव्यमान हैं U1 और U2, और घटना के बाद के या टक्कर के बाद के द्रव्यमान हैं V1 और V2। अब देखिए कि जो बॉल्स हैं जब वो आपस में टक्कर करती हैं तो उनका जो कांटेक्ट टाइम है, उनका संपर्क में आने का जो समय है वह मैंने मान लिया है t सेकेंड। अब जब बॉल्स हैं, सपोज़ ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है, जब ये आपस में टक्कर करती हैं तो इनके कांटेक्ट में आने का जो टाइम है वो टी है। टक्कर के बाद में ये अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हैं और उनके जो वेलोसिटी हैं वो चेंज हो जाती हैं, U1 U2 से चेंज होकर V1 V2 हो जाते हैं, द्रव्यमान M1 और M2 ही रहेंगे। तो जब ये टक्कर करती हैं तो टक्कर करने के दौरान आपस में मोमेंटम का एक्सचेंज होता है, मोमेंटम है वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं। किसी का मोमेंटम कम होता है तो किसी का मोमेंटम ज़्यादा होता है, अब वो जितना कम होता है दूसरे का उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होता है, अर्थात ओवरऑल मोमेंटम है घटना का या इस इवेंट का वह नियत रहता है, कंजर्व रहता है। तो किसी बॉल ए के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो जो बॉल ए है उसके लिए मोमेंटम में संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो उसमें संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग। तो बॉल ए के लिए संवेग होगा M1 और साथ में वेलोसिटी में परिवर्तन, तो वेलोसिटी में परिवर्तन क्या है, घटना के बाद का वेग माइनस घटना से पहले का वेग, क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन तो यही हुआ है कि पहले वो जो गेंद है किस वेग से गति कर रही थी और टक्कर के बाद में किस वेग से गति कर रही है। तो टक्कर के बाद का वेग कितना है V1 और टक्कर से पहले का वेग कितना है U1, तो दोनों का अंतर कितना हुआ V1 - U1, तो वेग में परिवर्तन हो गया है V1 - U1, और द्रव्यमान कितना है उसका M1, इसका मतलब जो बॉल ए है उसके लिए संवेग में परिवर्तन कितना हो गया है M1 × V1 - U1। ठीक ऐसे ही बॉल बी के लिए मोमेंटम में परिवर्तन कितना होगा, बॉल बी के लिए मोमेंटम में परिवर्तन होगा M2 × V2 - U2। अब बॉल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बराबर और विपरीत दिशा में फोर्स लगाती हैं, ये कहता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, अर्थात बॉल ए है वो बी पर बल लगाती है, बॉल बी है वो ए पर बल लगाती है। तो ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल FAB और बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल FBA, लेकिन जब इनकी दिशा का साथ में अपन वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब ये विपरीत दिशा में लगा रही हैं, तो बराबर होने के साथ साथ में ये माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल फोर्स होगा इस निकाय में, कुल फोर्स निकाय का हो जाएगा जीरो। ध्यान रखिएगा बॉल्स का एक दूसरे पर अलग अलग लगाया गया बल जीरो नहीं होगा, कुल बल इस निकाय का जीरो होगा। देखिए यहाँ से कुल बल अगर मैं इसकी बात करूँ तो FAB माइनस साइन किधर लेके आऊँगा, तो प्लस FBA बराबर जीरो, तो FAB बराबर माइनस का FBA। अब इसका मतलब क्या हुआ कि FBA का मतलब है कि बॉल टू है उसका द्रव्यमान गुणा उसका त्वरण। अब त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, त्वरण तो कैसे होता है, वेग में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब द्रव्यमान हो गया M2 और बॉल टू है जो बॉल बी है उसका वेग त्वरण में कितना होगा, वह हो जाएगा वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन कितना होता है, वह हो गया V2 - U2, और कितने समय के लिए कॉन्टेक्ट में आए थे वो उतना समय, तो वो हो गया T/T। तो मैंने लिख दिया M2 V2 - U2/T। ओके ठीक ऐसे ही आप लिखिए ए से फोर्स AB मतलब ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल। तो एक जो ए के द्वारा लगाया गया बल हो गया M1 A1, तो इसमें बॉल का जो ए का द्रव्यमान है वह M1 और उसका बॉल ए का त्वरण है वह A1 हो गया। अब उसका त्वरण कितना होगा, वो जाएगा V1 - U1/T, लेकिन ध्यान रखिए विद माइनस साइन क्योंकि बल की दिशा अलग अलग है। अब अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव करना है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का प्रयोग करते हुए संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इन दोनों बॉल्स के लिए इस पूरे निकाय के लिए M1 U1 + M2 U2 = M1 V1 + M2 V2, ये अपन को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब M1 U1 + M2 U2 क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन, जो भी बॉल्स हैं जो निकाय है उसका घटना से पहले का कुल संवेग,
और ऐसे ही एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू है वह घटना के बाद का निकाय का कुल संवेग, तो ये अपन को प्रूव करना है उस एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए के द्वारा। तो मान रखिए एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, इसका मान रख दीजिए। तो देखिए मान रखेंगे तो एम टू वी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस का एम वन इंटू वी वन माइनस यू वन डिवाइडेड बाई टी, ये इक्वेशन अपने पास में आ जाती है। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसके द्वारा ये वाला इक्वेशन अपने पास में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। ओके तो देखिए जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस का और इधर बच जाएगा जीरो, क्योंकि टी दोनों के डिनोमिनेटर हर में जो टी है वह समान है, इसलिए टी को कॉमन ले लेंगे और टी मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। टी है उसका मान जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो टी के अलावा राशि है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसको अपनी यहाँ लिख देते हैं एम टू वी टू माइनस यू टू इंटू एम वन वी वन माइनस यू वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू प्लस एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, ये अपने पास में चार टर्म्स आ जाएंगे। इन चार टर्म्स में जो माइनस वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लीजिए और प्लस वाले को एक तरफ ले लीजिए। देखिए माइनस वाले टर्म्स हैं एम वन यू वन और एम टू यू टू, तो जब उनको एक तरफ लेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो वो हो गई एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और प्लस वाले जो टर्म थे पहले से ही एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू जो बराबर हो गई। तो आप देख रहे हैं ये वाला इक्वेशन है ये ऑलरेडी अपने पास में जो इक्वेशन अपने लिखा था इसके बराबर आ गया। तो अपन ने न्यूटन की गति के तीसरे नियम का प्रयोग करते हुए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम का प्रूव कर दिया है। ओके तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसमें अगला सवाल करते हैं कि देर आर टू कार्स हैव मासेस 4 kg एंड 10 kg रेस्ट पोजीशन, के दो कार हैं, एक का द्रव्यमान है 4 kg और दूसरी कार का द्रव्यमान है 10 kg और दोनों ही स्थिर अवस्था में। ध्यान रखिए स्थिर अवस्था में होने का मतलब यह है कि प्रारंभिक अवस्था में उनका संवेग जीरो है। संवेग जीरो कैसे होगा, क्योंकि एम वन कार के लिए और एम टू कार के लिए वेलोसिटी यू वन और यू टू दोनों ही जीरो हैं। अब जो एक कार है जिसका द्रव्यमान 4 kg है, वह कार का जो वेग है वो अपन को ज्ञात करना है ग्राउंड के सापेक्ष या रोड के सापेक्ष या धरती के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष उसका वेग ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब दूसरी कार जो 10 किलोग्राम वाली कार है उसका वेग पहली कार के सापेक्ष कितना है वो दिया गया है, वो वेग है 5 m/s। आप यूँ मान सकते हैं कि दो कार है, पहले वो दो कार चुपचाप खड़ी थी शांति से, यूँ मानिए, और उनका जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। तो घटना से पहले जब वो कार स्टार्ट हो गई गति में नहीं, तब से पहले उनका मोमेंटम कितना था, जीरो। फिर देखा कि जो कार हैं दोनों कार चल रही हैं या दोनों कार एक कार चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेस्पेक्टिव वेग दिया गया, इसलिए अपन दोनों कार चलती भी मानते हैं कि दोनों कार चल रही हैं। तो जो पहली जो बड़ी वाली कार है जिसका द्रव्यमान 10 kg है उसका वेग दिया गया है कार 4 kg के सापेक्ष, और वो वेग कितना दिया गया है 5 m/s। अब ये पता करना है कि जो दूसरी कार है जो हल्की कार है 4 kg की, वो ग्राउंड के सापेक्ष कितने वेग से चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखिए कि घटना से पहले का संवेग और घटना से बाद का संवेग ज्ञात कर सकते हैं। इसी सवाल को अपन चाहें तो नॉर्मली रिलेटिव मोशन के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, आगे इसके बारे में अगर टाइम मिला तो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कीजिए, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो ये पी वन और पी टू का मतलब हो गया कार एक का संवेग कार दो का संवेग, और ये स्थिर अवस्था में है तो दोनों का मान जीरो, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कर दिया है। ओके अब एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो एम वन का मान कितना है 4 kg, वी वन का मान ज्ञात करना है, और एम टू का मान कितना है, एम टू का मान है 10 kg और वी टू का मान है 5 kg। तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान रखिए यहाँ पर चाहें तो आप माइनस साइन लगा सकते हैं। माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि उससे कार की दिशा पता चलेगी कि वो कार है वह कार दूसरी जो भारी कार है उसके विपरीत दिशा में आ रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि दोनों कारें एक दूसरे के तरफ गति कर रही हैं माइनस साइन से, तो ये माइनस साइन केवल दिशा का ज्ञान देगा। तो देखिए वी वन का मान कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 × 5 = 50 / 4, तो ये हो गया 12.5। अर्थात जो पहली कार है जो हल्की कार है वह उस कार का वेग होगा 12.5 m/s। अभी देखिए
इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक 4.88 किलोग्राम का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉली मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, एक एक ऑब्जेक्ट है, वह 3.14 मीटर प्रति सेकंड की वेग से और किसी भी एक सतह पर टकराता है, जैसे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है, या फिर आप यूँ मान लीजिए आप फर्श पर किसी बॉल को फेंकते हैं एक फिक्स एंगल से। तो देखिए ये है वो फर्श, ये जो सतह है वो दे रखी है, इससे यह एम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये टकराता है, इसकी दिशा ये देखो दे रखी, तो टकराया, तो ये इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 4.88 केजी, ऐसा 4 किलोग्राम 880 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, वह 3.14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 42 डिग्री के कोण पर टकराता है, ओके, सतह के साथ में, और टकराने के बाद में बाउंस बैक होता है और उसी कोण के ऊपर आगे की तरफ बढ़ जाता है, अर्थात 42 डिग्री कोण पर ही बढ़ जाता है। आप यूँ मानिए एक बॉल को आपने फर्श पर सामने की तरफ से फेंका और वो फर्श पर टकरा के उतने ही कोण से आगे की तरफ बढ़ गई है। अब इस पूरी घटना के दौरान आपको उस ऑब्जेक्ट के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करना है। अब सीधी सीधी बात है, देखिए यहाँ पर वैसे तो आप यूँ मानिए अगर आप किसी भी बॉल को फर्श के ऊपर एकदम से ऐसे लंबवत दिशा में फोर्स एकदम लंबवत दिशा में बॉल को फेंकते हैं ऐसे करके, तो बॉल ऊपर की दिशा में बाउंस बैक होगी, तो इसका मतलब जब दीवार पर टकराते हैं बॉल को या फिर फर्श पर टकराते हैं तो जितना मोमेंटम उसका होता है दीवार या फर्श उतना ही मोमेंटम उस पर और लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में, इसका मतलब उसके मोमेंटम में जो परिवर्तन है वो जितना मोमेंटम लगाया उसका जस्ट डबल हो जाता है। सपोज उसका मोमेंटम mv था तो उसका जो मोमेंटम में परिवर्तन है वो 2 mv हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, mv माइनस इंटू माइनस mv, तो mv प्लस mv, ऐसे देखिए mv माइनस और माइनस mv, तो ये तो मोमेंटम लगाया गया और चेंज अपन अंतर देखें तो ये अंतर, और दूसरा मोमेंटम भी mv है लेकिन उसकी दिशा विपरीत दिशा में है तो माइनस mv, तो जुड़ जाएंगे तो जाएगा 2 mv ये। लेकिन इसमें क्या है कि एक फिक्स एंगल के ऊपर टकरा के एक दूसरे फिक्स एंगल के ऊपर ही वो आगे की तरफ ऑब्जेक्ट है वो बढ़ जाता है। तब बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपन मोमेंटम का मान ज्ञात करते हैं, सिंपल मोमेंटम विदाउट एनी एंगल, और दैट इज गिवन इज इक्वल टू mv। तो अपने मोमेंटम का मान ज्ञात किया, तो mv का मान ज्ञात किया, तो 4.88 गुना 3.14, तो इसका मान जाएगा 15.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये उस बॉल का या उस ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक संवेग हो गया है, ओके। अब क्योंकि संवेग संरक्षण के दौरान प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर होते हैं और यहाँ पर दोनों के कोण भी बराबर हैं, इसीलिए PI बराबर PF, P इनिशियल बराबर P फाइनल, तो P फाइनल भी इतना ही हो जाएगा 15.3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब मोमेंटम में परिवर्तन, तो मोमेंटम में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने PI प्लस PF किया है, क्योंकि ये मैंने प्लस नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने वेक्टर फॉर्म ले लिया है, जब मैं इसकी डायरेक्शन बताऊँगा तो ये इसका ये हो जाएगा PI माइनस PF ऐसे, क्योंकि जो दूसरा मोमेंटम है वह देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम दिशा में नहीं किसी एंगल के ऊपर। लेकिन चलिए अपन इसका वेक्टर सम लेते हैं, तो इसका वेक्टर सम देखिए 1 और 2, और ये इसका वेक्टर सम मैंने से लिया, ये दोनों इसके जुड़ के इसके बराबर आ जाएंगे। डायरेक्शन इसके अपन कॉमन डायरेक्शन देखेंगे, 42 डिग्री पर ही है, 42 डिग्री पर ही है, तो टोटल एंगल हो जाएगा 84 डिग्री। तो देखिए इसको अपन वेक्टर सम कर देते हैं, तो वेक्टर सम करेंगे तो PI स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर, और ये 2 PI और PF, लेकिन एक के साथ में माइनस हो जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस का 2 PI PF cos थीटा का अंडर रूट, ये हो गया इसका वेक्टर का मॉडुलस लिया तब। तो PI कितना है 15.3, PF कितना है 15.3, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, और PI और PF बराबर दोबारा 15.3 का स्क्वायर cos 84। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 468.18 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे cos 84 का मल्टीप्लाई करके तो जाएगा 97.876। इसको आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल्टा पी हो जाएगा 19.24 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। इसका मतलब इतना मोमेंटम में परिवर्तन होगा उस निकाय के लिए। अगला सवाल बढ़ते हैं कि एक टेनिस बॉल है, एक टेनिस बॉल है, वो जब टेनिस प्लेयर टेनिस बॉल को स्ट्राइक करता है मारता है तो वो ग्राउंड के साथ में कॉन्टैक्ट में आती है बाउंस बैक करने से पहले, तो उस पर जो लगाया गया बल और समय दोनों दिया गया है। तो देखिए जब 0 से लेकर 2 सेकंड तक होता है तो उस पर जो बल का मान है वो बढ़ता है, और 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक नियत रहता है, ऐसा
और फिर 4 से 6 सेकंड तक घटता है। तो देखिए इस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पर बल दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो बल और टाइम के साथ में अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, एफ और टी के साथ में तो मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं, इम्पल्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया है कि जो मैक्सिमम वेग है, मैक्सिमम जो बल है वो ये है, तो आपको इसमें मैक्सिमम जो फोर्स है उसका मान ज्ञात करना है। जब टेनिस बॉल है उसका वजन दिया, द्रव्यमान दिया गया है 58 ग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है वह दी गई है 32 मीटर प्रति सेकंड, और साथ में ध्यान रखिए टाइम है वह मिली सेकंड में है कॉन्टैक्ट। तो देखिए सब इसके लिए एफ मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो टेनिस बॉल है उसका मोमेंटम दिया गया है, मोमेंटम ज्ञात करना अपन को, तो मोमेंटम ज्ञात करेंगे पी बराबर एम वी, तो एम का मान दे दिया गया है और वी का मान दे दिया गया है। तो मोमेंटम है ठीक उतना ही इम्पल्स होगा, लेकिन जो इम्पल्स है वह क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब फोर्स इन इंस्टेंट टाइम पर, जो फोर्स है इंस्टेंटली फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। तो हो गया पी आई माइनस पी एफ, मोमेंटम में परिवर्तन। तो मोमेंटम में परिवर्तन का मतलब ये देखिए 0 से लेकर 2 तक और 4 से लेकर 6 तक सेम जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, तो इसका मतलब वो बाउंस बैक एकदम परफेक्ट वैसा ही है टेनिस बॉल के लिए। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 mb, तो मान ज्ञात कीजिए 2 × 58 g × 32 m/s। तो ये मीटर ये देखिए ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और तब ये माना जाएगा 3.7 kg/s। अब अपन को मान ज्ञात करना है इम्पल्स का। इम्पल्स होता है इंस्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो गया, जे बराबर या आई बराबर इम्पल्स बराबर बल बटे समय। तो बल का मान सॉरी बल गुणा समय, तो बल गुणा समय हो गया, इसका मतलब फोर्स और समय कितना है। समय देखिए 2 मिलीसेकंड और 6 मिलीसेकंड के लिए इंस्टेंट टच में आता है वो, और उनका एवरेज ले लीजिए। तो 2 + 6 का एवरेज करेंगे तो 4/2 करके, तो एफ मैक्सिमम इंटू 4 मिलीसेकंड। अब एफ मैक्सिमम का ज्ञात मान ज्ञात करेंगे तो जाएगा जे बटे चार, तो जे बटे चार का मतलब होगा डेल्टा पी बटे चार, क्योंकि जे बराबर डेल्टा पी था। ये देखिए डेल्टा पी है यहाँ पर, ओके। डेल्टा पी का मान ज्ञात, डेल्टा पी का मान यहाँ से दिया गया है, 4 का भाग देंगे तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर देखिए ये मिली सेकंड में था, इस बात का खास ये 4 मिलीसेकंड में है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जाएगा 930 न्यूटन, अर्थात इसमें अधिकतम जो बल होगा वह 930 न्यूटन का होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर 4 है वो मिली सेकंड में, मैं लिख देता हूँ 4 है वो मिली सेकंड में, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10^-3 इससे कैलकुलेट करेंगे, और इसके द्वारा 930 न्यूटन का बल अपन कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।